नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे कि यार, जैसे कुछ लोग होते थे कि वो जिम जाते थे, लेकिन अभी क्या हो गया कि लॉकडाउन हो गया, तो क्या करें अभी घर पे, क्या करें मतलब, ताकि शेप में रहना भी ज़रूरी है ना। और कुछ लोगों का क्या होता था कि यार वो मतलब कि उनका बिजी शेड्यूल होता था, तो बोलते थे कि यार नहीं है, पॉसिबल नहीं है। वो मतलब कि अपनी लाइफ की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते थे, पढ़ते थे, काम करते थे ऑफिस ऑफिस, लेकिन बॉडी के बारे में शेप पे ध्यान नहीं देते थे। तो वही है, वही टाइम आ गया कि अभी हो, और अभी बेस्ट टाइम आपके पास, ताकि आप शेप में आओ। और शेप में आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यार जो हम शेप में होते हैं ना, तो जब शेप में होता है तो इंसान को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आता है अपनी बॉडी के लिए, कपड़े पहनता है, लुक्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारी बॉडी भी मैटर करती है, हमारी लुक्स। सो अब देखो, ये जो एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज इज़ लाइक, जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हम कुछ भी काम करते हैं, तो हमें कोचिंग की ज़रूरत होती है, राइट? पढ़ते तो हैं, लेकिन कोचिंग होती है कि हाँ, हमें मतलब जो डायरेक्शन देती है, जो हमें शेप देती है, हमें मतलब कि कैसे करें, कैसे डायरेक्शन देती है, कहाँ पे मेहनत करें, ये तो वैसे एक्सरसाइज होती है जो हमें मतलब शेप देती है, डायरेक्शन देती है हमारी बॉडी को। तो वही कहने का मतलब है कि दैट्स लाइक कोचिंग, एक्सरसाइज जो है थोड़ी बहुत ज़रूरी है। तो अभी वही है, देखो अभी ऐसा टाइम आ गया कि लॉकडाउन है घर पे, तो अभी ऐसा टाइम है कि आप जैसे खा 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 रहे हो, खा रहे हो, खा रहे हो, तो काम कम कर रहे हो, बाहर कम जा रहे हो। मतलब कि पहले क्या होता था, बंदा बाहर जाता था, काम वाम करता था थोड़ा बहुत, खेलता वेलता, बट अब ऐसा नहीं है। तो आप अभी मतलब शेप आपकी कहीं से भी कहीं निकल सकती है, जैसे आप आलू बन रहे हो मतलब इधर से उधर, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना। मतलब आलू नहीं बनना, आलू क्या, आलू से अदरक भी बन जाता है इंसान, मतलब कि जो कहीं से भी निकल रहा है अदरक, देखा ना, कहीं से भी निकल रहा है। तो ऐसा नहीं बनना, आपको शेप में रहना है, ताकि हाँ यार आप अच्छे लगे, आप कॉन्फिडेंट रहें। और मतलब कि यार अभी जो लॉकडाउन है, ये ना हो कि यार लॉकडाउन के बाद आप इतने दिन बाद बाहर निकलो और भाई लोग आपको पहचाने ना, भाई कौन आ गया। तो मतलब लोग पहचान लें, भाई अपनी शेप में रहो। और भाई अब इस जो मतलब कि आपको शेप में रहने के लिए क्या करना, अब देखो जो बॉडी हमारी होती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, जो फ्रंट होता है, बैक होता है और मिडल होता है। तो जो फ्रंट होता है और बैक होता है, ये थोड़ा थोड़ा सा बाहर होना चाहिए, और जो हमारा मिडल होता है, पेट वाला एरिया, ये थोड़ा अंदर होना चाहिए। ये हमारी बॉडी की पॉस्चर होता है, जो बेस्ट होता है मतलब कि आपको शेप के अंदर लगने के लिए, क्योंकि जो बेस्ट चीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं इनकी उम्र इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन वो उस शेप में होते हैं अगर, तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं, आप सेलिब्रिटीज़ देख सकते हो। सो यही चीज़ है, तो उसके अंदर आपको कैसे रहना है। तो जो हमारा पहली तीन एक्सरसाइज होंगी, जो पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी फ्रंट के लिए, सेकंड होगी मिडल के लिए, और लास्ट वाली होगी बैक के लिए। सो फ्रंट के लिए यार हम एक ही चीज़ यूज़ करेंगे, बेसिक सी चीज़ है, और वो पुशअप। तो अगर आप जैसे पुशअप मार रहे हो, तो उसके अंदर आप मतलब नॉर्मल पुशअप भी मार सकते हो, नहीं तो आप डायमंड पुशअप भी मार सकते हो, जिसके अंदर आपको ऐसे ऐसे करके मतलब कि डायमंड बनाना होता है हाथों से, और सेम पुशअप बनाते हो, उससे हमारे चेस्ट पे फोकस होता है और ट्राइसेप पे भी फोकस आता है। बाकी मेन जो नॉर्मल ऐसे पुशअप होते हैं, वो भी बेस्ट चीज़ होती है। सो आप पुशअप करें, आपको मैं वीडियो लगा दूंगा ऐसे वीडियो, ये करते हैं मिडल के लिए, मतलब पेट के लिए। पेट के लिए क्या होगा कि मिडल के लिए क्या होगा हमारे लिए, प्लैंक इज द बेस्ट ऑप्शन। अपनी बस सीधा लेट जाना है ऐसे, सीधा मतलब पैर नीचे और हाथ से ऐसे, तो आपका ब्रिज बन जाएगा। तो बस आपने उसमें रहना है 1 मिनट 2 मिनट, दैट्स प्लैंक। मतलब जितनी देर रहोगे तो बड़ा अच्छा फील होगा आपके पेट में, आपको ऐसे एहसास होगा कि आपको मतलब जो फैट हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो रहा है, और आपकी जो शेप आएगी ना, मतलब आपकी जो काफ़ी अच्छी शेप आएगी। अगर आपका फैट बहुत ज़्यादा तो कम होएगा। और मैं इस चीज़ के लिए बेस्ट ऑप्शन आपको देता हूँ, अगर आपको पेट की दिक्कत आ रही है कि पेट बढ़ जाता है बड़ी जल्दी, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि यार आप खाना खाने में बहुत इंटरेस्टेड, मज़ा आता है खाना खाने में, लेकिन कोशिश करें जो खाने की क्वांटिटी है ना, वो कम कम लें, ज़्यादा बार लें लेकिन कम कम, उसका बहुत फ़ायदा होता है। हमारा मतलब पेट बढ़ता नहीं है, बहुत छिटक होते हैं वो, खा भी लेता है इंसान और पेट भी बाहर नहीं आता। सो उसके लिए वीडियो देखें, ये लगा देते हैं वीडियो। एक्सरसाइज एंड लास्ट, उसके अंदर क्या होगा कि यार आपकी मतलब वो बैक के लिए होगी, क्योंकि बैक भी थोड़ी सी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, मतलब कि उसके लिए आप स्क्वाट कर लो सिंपल से, बस हाँ बस सिंपल से ही ऐसे देख लो ऐसे ये। सो यही थी
तीन एक्सरसाइज जिसके अंदर आप मतलब बेसिक सी थी, कोई बड़ी साइंस नहीं थी, बस थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। आप शेप में रहोगे, बहुत अच्छा लगेगा, आपको कॉन्फिडेंट फील होगे। लॉकडाउन के बाद भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप मतलब मे भी पहले से अच्छा लगोगे, क्योंकि अगर आप ये एक्सरसाइज नॉर्मल डे में करोगे, मतलब कि हाँ थोड़ी सी है करनी करनी, क्योंकि मैंने भी अपना रूटीन रखा है कि हाँ थोड़ी सी है बट करनी करनी है, कुछ मिनट लगानी है बट करना ही करना है, तो वो बहुत सही चीज़ होती है। अगर आप पुशअप की लिमिट बढ़ाओगे, इतने मारने, 10, 5, 25 जितनी भी हैं अपने बॉडी के अनुसार, बहुत सही चीज़ होती है, लेकिन वो करने ही करने होते हैं एक एक रूल की तरह। तो देखना आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा, जिस चीज़ के लिए, जैसे फ्रंट के लिए कर रहे हो, बैक के लिए कर रहे हो, मिडल के लिए, देखना वो शेप देखना कितनी अच्छी आएगी, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट फील करोगे, ये चीज़ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।